हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर काफी सारे फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में गाइज हम बात करने वाले हैं। ये जो एरर है ये क्यों देखने को मिल रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, और ये जो एरर फोन के अंदर देखने को मिल रहा है ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, इसके बारे में गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। अगर गाइज आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की फोन की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन गाइज आपको तुरंत मिल जाए। और गाइज अगर आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग के नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पर पुराने जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। हर वीडियो से गाइज आपको काफी अच्छा जो नॉलेज है वो मिलने वाला है, हर वीडियो से गाइज आपको एक जो नई जानकारी है वो मिलने वाली है, इसलिए गाइज आप उन वीडियो को देख के अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज काफी सारे जो फोन है उनके अंदर गाइज एक एरर देखने को मिला है, सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये जो एरर है ये काफी सारे लेटेस्ट फोन के अंदर भी देखने को मिल रहा है और काफी सारे जो ओल्ड जो फोन है उनके अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूं इस एरर की कि ये एरर हार्डवेयर प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो एरर देखने को मिल रहा है ये हार्डवेयर से भी आता है और ये सॉफ्टवेयर से भी आता है, दोनों से आपको देखने को मिलता है। ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम भी होती है और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है कि ये प्रॉब्लम है कहाँ से, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूं इस एरर के बारे में तो ये जो एरर है ये एक बेसिक प्रॉब्लम भी होती है और ये एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम भी होती है। बेसिक की गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, बेसिक जो प्रॉब्लम है वो फोन के अंदर देखने को मिल रही, मान लो कि सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर है वो अगर आपको फोन के अंदर देखने को मिले तो ये जो एरर है ये एप्लीकेशन से भी आ सकता है। फोन के अंदर जो ऐप हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उनसे भी गाइज ये जो एरर है वो आपको देखने को मिल सकता है। काफी सारे फोन के अंदर ऐसी एप्लीकेशन होते हैं जो थर्ड पार्टी हम एप्लीकेशन फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो कई बार वो क्रैश कर जाती हैं, जिसकी वजह से गाइज ये जो एरर है सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ये जो एरर है वो फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके लिए गाइज आप सिंपली उस ऐप को गाइज आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसको गाइज आप डिलीट कर सकते हैं, तो आपके फोन के अंदर जो भी एरर आ रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा गाइज दूसरा जो फॉल्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा इस एरर को लेके वो है गाइज सॉफ्टवेयर का फॉल्ट। सॉफ्टवेयर से भी गाइज ये जो एरर है वो देखने को काफी मिल रहा है। फ्लैशिंग की जब प्रॉब्लम फोन के अंदर आ जाती है तो काफी सारे जो एरर है वो देखने को मिलते हैं और उसमें सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। बार बार ये जो एरर है ये स्क्रीन पे शो करेगा, जब आप इसको ओके कर देंगे मतलब इसको हटा देंगे स्क्रीन से तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, आप उसको हटाएंगे फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरर है ये गाइज सॉफ्टवेयर से भी रहता है। अगर ये एरर बार बार देखने को मिल रहा है तो आप गाइज एक बार फोन के अंदर फ्लैशिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होगा तो गाइज वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले आप ऐप चेक कर लीजिए, दूसरा गाइज आप फोन के अंदर फ्लैशिंग कर सकते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी ये फॉल्ट काफी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर फोन आपको हार्डवेयर से देखने को मिले, काफी सारे फोनों के अंदर गाइज ये जो एरर है इसका सॉल्यूशन मैंने किया फ्लैशिंग से, फोन के अंदर फ्लैशिंग करने के बाद ये जो एरर है वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए गाइज फोन के अंदर सॉफ्टवेयर का जो फॉल्ट आता है तब भी गाइज ये जो एरर है वो देखने को मिलता है। इसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं इस एरर की तो ये जो एरर है ये गाइज हार्डवेयर से भी देखने को मिलता है। हार्डवेयर से क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि गाइज ये जो जो एरर है ये हार्डवेयर से इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि गाइज सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए गाइज फोन जो सीपीयू है वो बार बार स्क्रीन पे ये मैसेज मतलब शो करने लगता है, सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर है ये शो करने लगता है स्क्रीन पे, जब सीपीयू ईएमएमसी यूएफएस हो सकते हैं या फिर ईएमसीपी हो सकता है। ठीक है, वो उनके सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए गाइज ये जो एरर है वो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है। इस टाइम पे गाइज मान लो कि ये हमारा सीपीयू हो गया, आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा सीपीयू हो गया और यहाँ पे हमारा लगा है ईएमएमसी। ठीक है, ये हमारा ईएमएमसी हो गया। ठीक है, ये हमारा ईएमएमसी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है ये गाइज अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गाइज ये जो एरर है वो यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलता है। अगर आपने फोन के अंदर ऐप भी चेक कर लिया है कम्प्लीटली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से चेक कर लिया है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन के अंदर फ्लैशिंग कर दिया है, लेकिन फिर भी ये एरर देखने को मिल रहा है सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पॉन्डिंग,
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे गाइज आपको करना है सीपीयू को रिवोल्व, सीपीयू को आपको यहाँ पे रिवोलिंग करना है गाइज। सीपीयू को जब आप रिवोलिंग करेंगे, सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को आपको यहाँ पे रिवोलिंग कर देना है। जब आप इन दोनों को गाइज रिवोलिंग कर देंगे तो उसके बाद फोन के अंदर ये जो एरर है ये चला जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जो एरर है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइज सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो डाटा आदान प्रदान होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए गाइज ये जो जो एरर है वो स्क्रीन पे शो करने लगता है फोन। और काफी सारे लेटेस्ट जो फोन आ रहे हैं उनके अंदर भी गाइज ये जो एरर है वो काफी देखने को मिल रहा है, और उसका एक ही सॉल्यूशन अभी फिलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से गाइज एक ही सॉल्यूशन उनके अंदर आ रहा है, वो है गाइज सीपीयू और ईएमएमसी को रिवोल्व करना। सीपीयू और ईएमएमसी को जब रिवोल्व कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ये जो एरर है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि ये जो एरर है वो क्यों देखने को मिल रहा है, ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये दोनों से आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले गाइज कुछ एप्लीकेशन होती है उनसे भी ये एरर देखने को मिल सकता है, इसलिए गाइज आप अपने फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन उनको चेक कर लीजिए कि कौन सी एप्लीकेशन से, अगर एप्लीकेशन से ये एरर आया तो एप्लीकेशन का वहां पे नाम दिया रहता है, ठीक है, उसके अंदर नाम दिया रहता है कि कौन सी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है जिसकी वजह से ये जो फोन है या फोन के अंदर ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है। इसलिए गाइज पहले आप एप्लीकेशन को चेक करेंगे, सेकंड गाइज आप फोन के अंदर फ्लैशिंग करके ट्राई करेंगे, ठीक है, फ्लैशिंग से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर का जो फॉल्ट होता है तब भी ये एरर देखने को मिलता है। इसलिए गाइज सेकंड आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने चेक करना है फोन को, और उसके बाद भी फोन के अंदर एरर देखने को मिले तो उस टाइम पे गाइज आपको सीपीयू और ईएमएमसी को रिवोल्व कर देना है, क्योंकि सीपीयू और ईएमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है, यानी सीपीयू और ईएमएमसी की नीचे की जो बॉल होती है वो ड्राई हो चुकी है, जिसकी वजह से गाइज ये जो एरर है वो स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसलिए गाइज जब आप सीपीयू और ईएमएमसी दोनों को रिवोल्व कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है सिस्टम यूआई इज नॉट रिस्पोंडिंग की, ये गाइज फिक्स हो जाएगी। तो ये है गाइज ये जो एरर है इसका ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे बताया कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर से हो सकती है, किस तरीके से आपको चेक करना है, पहले ऐप, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सीपीयू ईएमएमसी को रिवोल्व। डायरेक्ट अगर आप सीपीयू निकाल के यहाँ पे सीपीयू ईएमएमसी को रिवोल्व कर देंगे और उसके बाद गाइज आप देखेंगे फिर से फोन के अंदर सेम प्रॉब्लम बनी हुई है, सेम ये जो एरर वो देखने को मिल रहा है, तो गाइज फिर ये हो सकता है कि उसमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट रहेगा आप डायरेक्ट सीपीयू ईएमएमसी को रिवोल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए गाइज आपको पहले एप्लीकेशन चेक करना है, सेकंड आपको फ्लैशिंग में ट्राई करना है, और थर्ड आपको यहाँ पे सीपीयू ईएमएमसी को रिवोल्व करना है, और आपके फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो गाइज ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये अगर आपको पसंद आई, जो नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया, जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया, ये अगर आपको पसंद आया तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जो वीडियोज मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो गाइज आपको तुरंत मिल जाए, और जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में गाइज आपको पता चल जाए। तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो फटाफट से आप हमारा जो चैनल है उसको गाइज सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।